हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ एक 24 साल का नौजवान है जो मेरे पास आगरा से आया है डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के लिए। और अभी हमने इनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो जानना चाहूँगा राघव से। यस राघव, कितने साल के हैं आप? जी मैं 24 के। तो आप क्या करते हैं? तो मैं जो है, मुझे काफ़ी इशू थे। नहीं, आप करते हैं ये बताइए पहले। जी मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, वेरी गुड। इंजीनियर साहब, तो आप बताइए दांतों में क्या इशू था? दांतों में इशू था कि हल्का सा क्रूड दांत था मेरा एक। हाँ। तो मुझे टेंशन थी कि पता नहीं उसको जो है नेचुरल दांत वापस से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बट मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, काफ़ी वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि डॉक्टर जो है रजत सहदेव है द बेस्ट डॉक्टर ऑन यूट्यूब। देन आई केम हेयर एंड आई फाउंड द रिजल्ट दैट इज एक्सपेक्टेड। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट मीन्स, बट यू एक्सपेक्ट एंड यू गेट द सेम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये लगता है कि हर पेशेंट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना हम लग के काम करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे उतरे और जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए था वैसा हमने दिया। उसके पीछे का मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो डिज़ाइन का पूरा जो प्रोसेस था, हमने जो स्कैन लिया था आपका, जब तो आपके मन में बहुत सवाल थे कि कैसे होगा, क्या होगा। जब पहले सीटिंग में करा था, मैं सोच रहा था यार इतने सारे सवाल पूछ रहे, फिर मेरे को लगा कि यार दांत का सवाल है तो ऑब्वियसली पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। यूट्यूब में भी काफी वीडियोस देखे होंगे आपने? जी जी, बहुत सारे वीडियो देखे थे। ओके, तभी मैं यहाँ पे आया था। ओके, कि डॉक्टर जो है बेस्ट डॉक्टर है और मुझको रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही मिला है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई इशू हो टीथ से रिलेटेड, यू कैन कम हियर टू विजिट द डॉक्टर। क्या बात है, राघव की बात जरूर माननी है आपको। अगर डिजिटल स्माइल डिजाइन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे YouTube वीडियो में मोर देन 800 वीडियोस हैं और बहुत सारे डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, टू पेशेंट स्टोरीज हैं। और मुझे DM कर सकते हैं अगर आपके कोई भी सवाल है। और मेरी पूरी वेबसाइट है, उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, ढेर सारे ब्लॉग्स हैं, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं, कैट कैम डिज़ाइन होता क्या है, ट्रायल स्माइल क्या होती है। तो राघव, तो उन पेशेंट्स को आपने ऑलरेडी मैसेज दे दिया है, तो आपके जो भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको छोटा सा मैसेज, ओरल हाइजीन टिप आपकी तरफ से। जी, टीथ अपने मेंटेन रखें, डेली फ्लॉस करें और जो ब्रश करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई विल रिकमेंड डॉक्टर रजत सहदेव टू एवरीवन फॉर एनी डेंटल इशू। थैंक यू। और हमेशा कोई भी काम कराने से पहले डॉक्टर के बारे में पूरी जाँच पड़ताल कर लीजिए, और जब आपका केस चल रहा हो और कम्प्लीट होने के बाद अपना रिकॉर्ड DSD के बारे में पूरा आपके पास ड्राइव में होना चाहिए, सो दैट आप डॉक्यूमेंट कर सकें। अगर किसी भी डेंटिस्ट ने आपका काम किया है तो आपके पास अपनी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए फॉर योर रिकॉर्ड, फॉर योर मेंटेनेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप ट्रीटमेंट करवा लें, आपका ओरल हाइजीन आपके हाथ में, आपको मेंटेन और फॉलो अप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की आपको ढेर सारों शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आपका ऐसी जीवन मंगलमय और खुशहाली भरा बीते। और आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। दिवाली।